हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द यूपीएससी ईएससी 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रीलिम्स सॉल्यूशंस। और इन सॉल्यूशंस को हम इन डेप्थ लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट द कंसेप्ट एंड अप्लाई दैट कंसेप्ट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं, लाइक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में कि हमारे पास, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन क्या है, पांच क्वेश्चन लेंगे आगे हम स्टेटमेंट बेस्ड, पांच से छह क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या हमें फॉलो करना है वो देखते हैं, ठीक है। और इन सभी में स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉमन रहेगा और उनके आंसर किस तरह से रहेंगे वो एक बार देख लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास दो स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। अब दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों इंडिविजुअली ट्रू है और सेकेंड जो है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट आंसर तभी आएगा, ये बात सीख लीजिएगा। कई बार जो है स्टूडेंट्स आंसर आने के बावजूद जो है वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड है और एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहे हैं तो ही फर्स्ट, और रिलेटेड है और कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहे हैं और दोनों ट्रू है तो ही फर्स्ट को स्लो सेलेक्ट करना है। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ट्रू है और दोनों स्टेटमेंट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, एक नॉर्थ की बात कर रहा है एक साउथ की बात कर रहा है, कुल मिला के बात ये है एक उत्तर है एक दक्षिण है, तो दोनों का हमारे पास आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो हम जो है इन दोनों का सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट मानेंगे, यदि सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सी और डी बहुत सिंपल हो जाता है, पहला ट्रू हो जाता है और सेकेंड फॉल्स हो जाता है, तो सी सेलेक्ट करो, पहला फॉल्स हो जाता है और सेकेंड ट्रू हो जाता है तो डी सेलेक्ट करो। कन्फ्यूजन जो रहता है ए और बी में रहता है, कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं, कॉज एंड इफेक्ट को चेक करिए, अगर दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड है और दोनों ट्रू है तो ए सेलेक्ट करिए, दोनों रिलेटेड है और रिलेटेड नहीं है और ट्रू नहीं ट्रू है तो सेकेंड स्टेटमेंट बी सेलेक्ट करिए, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 से। डायोड्स डिजाइंड एक्सप्रेसिवली टू ऑपरेट इन द फॉरवर्ड बायस रीजन आर कॉल्ड जेनर डायोड्स। डायोड के वेरियस टाइप्स होते हैं हमारे पास, पिन डायोड, शॉर्ट के डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, अलग अलग टाइप के आपको बहुत सारे डायोड मिलेंगे। उसमें से जो जीनर डायोड है उसके बारे में बात की गई है कि जीनर डायोड को जनरली जो है हम ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड बायस रीजन में। द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग रीजन फॉर जीनर डायोड इज ए नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करंट। अभी हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जेनर डायोड के, तो ये सभी हम सभी जानते हैं कि जेनर डायोड में हमारे पास इसको ऑपरेट जो करते हैं हम नेगेटिव रीजन में करते हैं, और जब हमारे पास रिवर्स वोल्टेज मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल आता है तब हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट वोल्टेज देखने को मिलता है जिसको जेनर वोल्टेज बोलते हैं, और इसी जेनर वोल्टेज लेवल पर ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। सो यहाँ पर करंट भी नेगेटिव होती है और वोल्टेज भी नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें ये ऑपरेट करते हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बात है। लेकिन जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में एज ए नॉर्मल डायोड की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई भी डायोड, अगर जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा तो पीएन जंक्शन डायोड ही है। इसका बेसिक एप्लीकेशन ही यही है कि इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करा के एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ऑपरेट करवाया जाए। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत होगा, और जब स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट हो तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए बीजेटी अप्लाइज टू ए एनपीएन और पीएनपी, दोनों ट्रांजिस्टर को अप्लाई किया जाता है, इज वैलिड एट लो फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी बाय इग्नोरिंग कैपेसिटेंस इफेक्ट। क्या ऐसा स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट को जज कर लेते हैं एक बार या इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल। तो एक अगर हम बीजेटी को एसी एनालिसिस तब करते हैं जब डीसी एनालिसिस में हमें ये प्रूव हो जाता है कि ये जो बीजेटी है ये एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करने के लिए एक्टिव रीजन में काम कर रहा है,
अगर एक्टिव रीजन में काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करेगा, तो फिर निकाल दो ना करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये चार क्वांटिटी निकालने के लिए हम ऐसी एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग रीजन एक्टिव रीजन नहीं है तो फिर वो क्लोज स्विच ओपन स्विच की तरह काम करेगा, सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन रेस्पेक्टिवली, फिर उसके लिए करंट गेन वोल्टेज गेन निकालने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले डीसी एनालिसिस करते हैं, ऑपरेटिंग रीजन एक्टिव रीजन मिल जाता है, फिर हम जो एसी एनालिसिस करते हैं। और एसी एनालिसिस में हमें ये देखना होता है कि जब एसी सिग्नल अप्लाई करते हो तो कैपेसिटिव इफेक्ट को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। एक्चुअली जब हमारे पास ये दो कलेक्टर जंक्शन है, ये बेस जंक्शन है, दो वायर के बीच में एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, जिसको हम यहाँ पर जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, या फिर वायर कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, या स्ट्रे कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। दो टर्मिनल बीएस और अमीटर, इनके बीच में भी हमारे पास जो है कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, जिसको सीवीई से शो करते हैं। एक्चुअल में लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के कारण हमारे पास क्या होता है, एक्स इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा लो होगा तो एक्स बहुत हाई होगा, और हाई रिएक्टेंस का मतलब ओपन सर्किट होता है। इनफाइनाइट ओम का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट ही होता है। जब रिएक्टेंस बहुत हाई हो तो आप इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है कि कैपेसिटी इफेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर वगैरह भी लगे हुए होते हैं। बाईपास कैपेसिटर को अगर आप डीसी एनालिसिस है, एसी एनालिसिस है, बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होती है ना, एक्स इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, तो कैपेसिटी इफेक्ट ज्यादा होने से फ्रिक्वेंसी भले ही लो लेकिन कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होता है, तो एक्स बहुत लो होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक कैपेसिटेंस को ओपन सर्किट कर दो, इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, करेक्ट। ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट होता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे क्या ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, ए पी एन पी बीजेटी हैज हायर करंट गेन कंपेरेबल एन पी एन बीजेटी बिकॉज होल्स आर लेस मोबाइल देन इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है होल्स से ज्यादा होती है, या होल्स आर लेस मोबाइल देन इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पीएनपी बीजेटी को इसीलिए प्रिफर नहीं किया जाता, इसके लिए एनपीएन बीजेटी को प्रिफर किया जाता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि पीएनपी बीजेटी हैज हायर करंट गेन, या फिर हायर हमारे पास प्रिफरेबल होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास एनपीएन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एनपीएन होना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग है। तो सीधी सी बात है, आंसर सी आएगा, ए और बी में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉस्फेट आर प्रिफर्ड फॉर आवर जेएफईटी, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों के कंस्ट्रक्शन में बहुत थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, फिर भी जो है मॉस्फेट को प्रिफर किया जाता है एफईटी के कंपैरिजन में डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में, आइदर पी चैनल मॉस्फेट हो या एन चैनल मॉस्फेट हो, लॉजिक सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इन दोनों को यूज किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो जरा प्लीज, इसमें क्या होता है, मॉस्फेट में एक तो एफईटी और मॉस्फेट को अगर हम कंपैरिजन करें तो मॉस्फेट का इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई होता है, 10^10 से लेकर 10^15 ओम तक होता है, और इसका होता है 10^2, एफईटी का 10^8 ओम तक। जिसका इनपुट इंपेडेंस हाई होता है उसमें वोल्टेज एम्पलीफायर बनने की कैपेसिटी, मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर अच्छे से बन सकता है, एज वेल एज लोडिंग इफेक्ट भी बहुत कम देखने को मिलता है, इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए हाई, इसलिए मॉस्फेट को प्रेफर करते हैं। दूसरा, मॉस्फेट की एक खासियत बात यह है, ये डिप्लेशन मोड में भी ऑपरेट करता है और एनहेंसमेंट मोड में भी ऑपरेट करता है, और इनहेंसमेंट मोड जहां पर होता है उसको मोस्टली प्रेफर किया जाता है, इंटीग्रेटेड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसमें एनहेंसमेंट मोड चाहिए होता है, और एफईटी को जनरली हम डिप्लेशन मोड में ही ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिप्लेशन मोड में ही ऑपरेट कराते हैं, या डिप्लेशन और एनहेंसमेंट दोनों, और एनहेंसमेंट मोड के कारण हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जरा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द यूजेज ऑफ पी चैनल मॉस्फेट एज द एक्टिव लोड फॉर एन चैनल मॉस्फेट लीड्स टू लॉजिक फैमिली नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री मॉस्फेट CMOS। CMOS में क्या होता है, पी चैनल एन चैनल दोनों को कंसिडर करते हैं, और इनको जो है पी चैनल को एज ए एक्टिव लोड कंसिडर किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये क्यों डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह यूज किया जाता है, इसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, दोनों इंडिविजुअली ट्रू है लेकिन इसका रीजन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ना पहले का दूसरे में देखने को मिल रहा है, ना दूसरे का पहले में देखने को मिल रहा है। रीजन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर ऐसा रीजन हमें सेकंड में देखने को मिलता तो हम ऑप्शन ए, आंसर ए सेलेक्ट करते,
लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, आंसर बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। ए सिस्टम इज एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरिएंट इफ एंड इफ ओनली एग्जिस्ट ए सिग्नल कूल्ड द सिस्टम इंपल्स रिस्पॉन्स। द आउटपुट ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम इज द कन्वोल्यूशन सम बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड इट्स यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली कोई भी हमारे पास इनपुट सिग्नल आपने अप्लाई किया है ना, जैसे टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम ले लेते हैं, डिस्क्रीट टाइम लोगे तो आर एल लिख लोगे, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है एच टी और ये हमारे पास है आउटपुट सी टी, ठीक है। अगर कंटिन्यूस लोगे तो कन्वोल्यूशन सम की जगह आएगा कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, बस इतना चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास आउटपुट होता है सी टी ये या फिर ट्रांसफर फंक्शन एच टी होता है, ये सी टी अपॉन आर टी आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो अगर आपके पास आर टी मतलब आर टी जो है डेल्टी हो जाए, इम्पल्स इनपुट आप दो, है ना, इम्पल्स इनपुट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वन होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि एच टी किसके इक्वल हो जाएगा, एच टी या एच एस किसके इक्वल हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो सी एस के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो आउटपुट होगा वही हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होगा, वही हमारे पास इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा, है ना। इम्पल्स रेस्पॉन्स को ही ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं और वही हमारे पास आउटपुट भी एग्जिस्ट करेगा। तो अल्टीमेटली यूनिट इम्पल्स इनपुट देने पे हमारे पास जो आउटपुट होता है वही ट्रांसफर फंक्शन रहता है हमारे पास, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कन्वोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है और उसी कंसेप्ट से हमने ये एक्सप्लेन किया कि जो भी सिग्नल एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा मतलब ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर कौन सा करेक्ट देखने को मिलेगा, आंसर ए देखने को मिलेगा, करेक्ट। दोनों इंडिविजुअली ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोलता है। सबसे पहले रूट लोकस की बात कर लेते हैं। द रूट लोकस इज द पाथ ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ट्रेस्ड आउट इन द एस प्लेन एज पैरामीटर वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। क्या हमारे पास ये करेक्ट है, इसके बारे में देखिए। और दूसरा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के बारे में बोला है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि एक रूट लोकस टाइम डोमेन की बात कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की, दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आंसर ए तो नहीं हो सकता, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ इंडिविजुअली ट्रू है कि वो नहीं है, वो अभी हम देखते हैं। तो ये भी सही है कि पैरामीटर जो है हम यहाँ पर क्या वेरी करते हैं कि जैसे रूट लोकस में हम जो है पैरामीटर को वेरी करते हैं, पैरामीटर दैट इज द के को वेरी करते हैं 0 to infinity तक। और जब हमारे पास स्टार्टिंग होता है तो k की वैल्यू को 0 रखते हैं और लास्ट टर्मिनेट करना होता है तो k की वैल्यू को इनफाइनाइट रखते हैं। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ ए नॉन साइनसॉइडल यूनिट इनपुट सिग्नल। द रिजल्टिंग आउटपुट ऑफ सिग्नल फॉर ए लीनियर सिस्टम इज साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट, इट डिफर्स फ्रॉम द इनपुट ओनली इन एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। ये क्या है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, एक्चुअल में क्या होता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में हम जो आर टी सिग्नल अप्लाई करते हैं वो होता है मान लीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इनपुट सिग्नल आपने ये अप्लाई किया, आउटपुट जो आता है ट्रांसफर फंक्शन में जाने के बाद और सी टी जो आता है हमारे पास ए एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव ये आता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, एक तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ मैग्नीट्यूड और एक हमारे पास फेज आया। तो ये तो सही बात है कि केवल इन दोनों का डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट में, लेकिन इनपुट नॉन साइनसॉइडल नहीं साइनसॉइडल अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। ओनली आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसफार्मर टेक एडवांटेज ऑफ हाई मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू अलाउ इकोनॉमिकल डिवाइस डिजाइन, हाउ वेयर नॉन लीनियर नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लीड्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स इन करंट एंड वोल्टेज। सीधी सी बात है हमारे पास यहाँ पर ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है कि जब हम बी एच कर्व बनाते हैं तो अगर लीनियरिटी नहीं है, जैसा आइडियल बी एच कर्व हम ऐसा बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो बी एच कर्व कुछ इस तरह से बनता है, भले नैरो हो कैसा भी हो उसमें नॉन लीनियरिटी रहता ही है। भले अगर आपके पास h इक्वल टू जीरो है लेकिन रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी कुछ ना कुछ मिलती है,
जब b इक्वल टू जीरो हो तो आपके पास कुछ ना कुछ कोएर्सिव फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में मिलता है। कुल मिला के बात यह है कि ये नॉन लिनियरिटी को शो करता है और नॉन लिनियरिटी के कारण फ्लक्स डेंसिटी वेव नॉन लिनियर होती है एज वेल एज हार्मोनिक्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि फूरियर सीरीज यही बोलता है कि दुनिया में साइनसोइडल प्योर साइनसोइडल को छोड़ के पीरियोडिक वेव को छोड़ के बाकी सारी पीरियोडिक वेव में आपके पास हार्मोनिक्स देखने को मिलेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ साथ। द नॉन लीनियर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। द नॉन लीनियर नेचर ऑफ ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस कैन लीड टू ट्रांजिएंट इनरश करंट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन रेटेड वैल्यू ऑफ करंट अपॉन एनर्जाइजिंग ट्रांसफार्मर। जब भी ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हो मतलब ऑन करते हो तब स्टार्टिंग में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है उसको ट्रांजिएंट मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं या मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट बोलती है, दैट इज द 100 टाइम्स हायर देन द नॉर्मल मैग्नेटाइजिंग करंट, सो दैट फुल लोड करंट जो होती है या फिर स्टार्टिंग जो करंट होती है फुल लोड करंट की लगभग 5 टाइम्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर नेचर के कारण देखने को मिलता है। करेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का आपस में लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, एक हमें बता रहा है कि हार्मोनिक्स नॉन लीनियर बीएच कर्व के कारण आता है, नॉन लीनियर बीएच कर्व के कारण मैग्नेटाइजिंग करंट भी फ्लो होती है, दोनों से दोनों इंडिविजुअली ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के वो देख लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं जो समझाने लायक है, बाकी पेपर अपलोड हम कर देंगे पीडीएफ आपकी ऑल इंडिया एजी पेपर सॉल्यूशंस में ऐप में, वहां पर जाके डिटेल सॉल्यूशन को आप रीड आउट भी कर सकते हो अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ए कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इज गिवन बिलो 8 cos 200 पाई टी, व्हाट इज द मिनिमम सैंपलिंग रेट रिक्वायर्ड टू अवॉइड अलियासिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है am cos ओमेगा टी, ये हमारे पास दिया हुआ है सिग्नल। अब एलाइजिंग या सैम्पलिंग रेट या नाइक्विस्ट रेट ये दोनों एक ही कंसेप्ट है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ fm होनी चाहिए। यहाँ पे ओमेगा में हमारे पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे जो यहाँ पर fm की टर्म में क्या होगी, ओमेगा m इक्वल टू 2πfm, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200π। अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे तो fm की वैल्यू कितनी आएगी, fm की वैल्यू 100 हर्ज आ जाएगी। अब इसी 100 हर्ज को हम यहाँ रख देंगे ट्वाइस इंटू 100, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हर्ज। सो इसका मिनिमम सैम्पलिंग रेट 200 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बढ़िया बात है, तभी तो सिग्नल को वापस रिकवर किया जा सकता है। सैंपल का मतलब हमारे पास जो है यहाँ पर जब सिग्नल को रिकवर करना हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए, जैसे आपके पास ये एसी सिग्नल है, ठीक है, इस सिग्नल में केवल एक बार सैंपल लिया आपने, अगले साइकिल में फिर वापस जो है एक बार से आपने सैंपल लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि ये केवल पॉजिटिव साइकिल को शो करेगा। कम से कम 2 बार आपको सैंपल लेना जरूरी है एक साइकिल में, मतलब ट्वाइस आपके पास फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, सो दैट हमें पता चलेगा कि एक अच्छा एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। वैसे बहुत सारे सैंपल लो तो बढ़िया है ना, सैम्पलिंग ज़्यादा लो तो आपको एक्यूरेट आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तभी सिग्नल को रिकवर किया जा सकता है ओरिजिनल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, कुछ अच्छे क्वेश्चन है उन्हीं को ले रहे हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इफ द बैंड पास फिल्टर इज हैविंग फ्रीक्वेंसीज 800 हर्ट्ज टू 1200 हर्ट्ज। एक बैंड पास फिल्टर क्या करता है, बैंड पास फिल्टर हमारे पास जो है वो एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है ना, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास क्या है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको पास करता है। यही हमें दिया हुआ है 800 हर्ट्ज यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जो है 1200 हर्ट्ज दिया हुआ है। आपको क्वालिटी फैक्टर बताना है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ऐसा ही बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बैंड पास फिल्टर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बीच की फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, सेंटर फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ ऐसा लिखेंगे, सेंटर फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। और सैटर्न फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उन दोनों का अंडर रूट लो, तो बैंडविड्थ तो आपको मिली गई 800 और 1200 का डिफरेंस 400 हर्ट्ज, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लो 800 इंटू 1200 अपॉन 400, ये आ जाएगा आपके पास क्वालिटी फैक्टर। इसको सॉल्व करते हैं,
2.449 बी विल बी द राइट आंसर 2.45 ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एन ए एम ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसफर रेडिएट्स 10 किलोवाट ऑफ पावर इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 60% या 0.6 और व्हाट इज द कैरियर पावर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ए एम एफ एम पी एम कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना होता है ठीक है। तो ए एम में टोटल पावर का जो फॉर्मूला होता है कैरियर पावर 1 + मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। आपको क्या निकालना है, कैरियर पावर निकालना है। टोटल पावर तो आपको दी हुई है, कैरियर पावर निकालना है 1 + एम स्क्वायर बाई 2। सिंपली फॉर्मूला याद रखो और आंसर निकालो। ये 10 किलोवाट दिया हुआ है, ये हमारे पास 0.6 स्क्वायर अपॉन 2, तो 0.36 अपॉन 2 दैट इज 0.18 और 10 अपॉन 1.18 जो आएगा वो कितना आएगा देख लीजिएगा। 10 अपॉन 1.18 8.47 किलोवाट, सो बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ए पीएलएल एफएम डिटेक्टर वेव यूजेस ए वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर विद केएफ 100 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। इफ एफएम में ऐसा होता है हमारे पास, इफ इट रिसीव ए एफएम सिग्नल विद डेविएशन ऑफ डेल हर्ट्ज, डेल एफ जो दिया हुआ है 75 किलोहर्ट्ज। आपको जो है आरएमएस वोल्टेज ऑफ आउटपुट निकालना है वोल्टेज फ्रॉम द डिटेक्टर और केएफ जो दिया हुआ है 100 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। देखो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो वोल्टेज चाहिए ना 70 किलोहर्ट्ज है, किलोहर्ट्ज कैंसिल आउट, पर वोल्ट मतलब वोल्टेज ऊपर आ जाएगा 75/100। या फिर फॉर्मूला अगर आपको याद है डेल एफ अपॉन केएफ, ये आपके पास 75/100 मतलब 0.75 वोल्ट आएगा क्योंकि किलोवाट से किलोवाट कैंसिल आउट, वोल्ट ऊपर जाएगा तो 0.75 वोल्ट। लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये पीक वैल्यू होती है, आपको क्या चाहिए आरएमएस चाहिए। आरएमएस सिंपली पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2, 0.75 अपॉन अंडर रूट 2 करोगे तो ऑब्वियसली इससे कम ही आएगा, सो डी विल बी द राइट आंसर, 0.53 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिग्नल पावर एंड द नॉइज पावर मेजर्ड एट द इनपुट। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें सिग्नल पावर और नॉइज पावर एट द इनपुट साइड ये मेजर किया गया, ये कितना आया 150 माइक्रोवाट और ये आया हमारे पास 1.5 माइक्रोवाट। और सिग्नल पावर एट द आउटपुट, सिग्नल पावर एट द आउटपुट एंड नॉइज पावर एट द आउटपुट, ये आपके पास 1.5 मिली वाट एंड 40 मिली वाट आ रहा है ठीक है। आपको क्या निकला है, निकालना है नॉइज फैक्टर। नॉइज फैक्टर क्या होता है, नॉइज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट इनपुट टू द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट। तो मतलब सिग्नल पावर जो और नॉइज पावर इनपुट साइड पे, उन दोनों का रेशियो लो, सिग्नल पावर और इनपुट नॉइज पावर जो है आउटपुट साइड है उन दोनों का रेशियो लो और फिर जो आंसर आएगा दैट इज द नॉइज फैक्टर। तो ये आंसर हमारे पास कैलकुलेट करिएगा 2.666 ये हमारे पास आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन्फॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत फिक्स क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये गिने चुने 10-15 क्वेश्चन है, 4-5 तो नहीं बोल सकते, 10-15 क्वेश्चन है यही हमारे पास आते ठीक है। एक आपको व्हाट इज द सोर्स एंट्रोपी निकालना है और सिग्नल की जो प्रोबेबिलिटी है, 5 सिग्नल है उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है HI इक्वल टू समेशन PI log, PI इज द लॉग बेस 2 ध्यान रखना, 1/PI ये रहता है। तो अगर फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले की ऐसे 5 सिग्नल है तो 5 का सम करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा हाफ लॉग 1/1/2 दैट इज द 2 हो जाएगा लॉग बेस 2, फिर आ जाएगा 1/4। इसी तरह आप फॉर्मूले में रखते जाइएगा लॉग 4, 1/8 लॉग बेस 2 का 8, फिर 1/16 लॉग बेस 2 16 और 2 बार है तो इंटू 2 कर देना, जो भी है एक बार और भी लिख सकते हो, इंटू 2 भी कर सकते हो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। यहाँ पर 1/16 2 है तो लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 और फिर 2 की वैल्यू निकालो तो 1 होता है। इसी तरह आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 square, इसको लिख सकते हो 2 cube, इसको लिख सकते हो 2 raised to 4, ऐसा लिख सकते हो ना, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये क्यूब इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, बाकी log 2 ही बचेगा पीछे, तो log 2 की वैल्यू तो 1 है ही,
तो ये आ जाएगा 2 बाई 4, ये आ जाएगा 3 बाई 8, ये आ जाएगा हमारे पास 4 बाई 16, और इंटू 2 कर देना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 1.875 बिट्स पर सिंबल। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफ द जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 150 मिलीवोल्ट और ई मिनिमम जो है वो हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है। एक तो होता है जो हमारे सिग्नल भेजना है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिस सिग्नल को मैसेज सिग्नल को भेजना है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, और उसको जिसके साथ भेजा जाता है जो कैरियर होता है उसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल एज अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। और जो रिजल्ट आता है इन दोनों का वो होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हुई है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की दी हुई है, ठीक है। जनरली जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये होता है AM मान लीजिए साइन ओमेगा MT है, और ये कैरियर सिग्नल मान लीजिए CT इक्वल टू AC कॉस ओमेगा CT है, ये लिख दिया। तो जनरली मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है AM बाई AC होता है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और का पीक वैल्यू और कैरियर सिग्नल का पीक वैल्यू। लेकिन जब हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आए उसकी मैक्सिमम वैल्यू A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम, ये फॉर्मूला लगता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 150 मिलीवोल्ट माइनस 70 मिलीवोल्ट अपॉन 150 प्लस 70। इसको सॉल्व करिए 80 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 220, दैट इज द 36.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये गिने चुने क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। रिसीवर हैज ए नॉइस पावर बैंडविड्थ ऑफ 12 किलोहर्ट्ज़, बैंडविड्थ जो है 12 किलोहर्ट्ज़ है, लिखते जाइएगा साथ ही साथ। ए रजिस्टर विच मैचेस विद द रिसीवर इनपुट इम्पीडेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंटीना। मतलब व्हाट इज द नॉइज पावर, नॉइज पावर जो रहती है उसका फॉर्मूला रहता है KTB बाई दिस रजिस्टर इफ द इन द रिसीवर बैंडविड्थ, और टी के रहता है बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू तो 1.38 × 10⁻³ जूल पर डिग्री केल्विन रहती है। टी जो है टेम्परेचर है, 30 डिग्री टेम्परेचर लेने को बोला लेकिन टेम्परेचर जो है आपको केल्विन में लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 273 + 303 केल्विन, ठीक है। ये सारी वैल्यू है हमारे पास, बी अवेलेबल है, के आ गया, टी आ गया। अब KTB फॉर्मूला है नॉइस पावर में हमारे पास। एक बात ध्यान रखना, जब बैंडविड्थ बढ़ाते हो ना तो नॉइस पावर भी बढ़ती है, ठीक है। स्टेबिलिटी के केस में बैंडविड्थ बढ़ा देते हैं तो नॉइज सिग्नल का इफेक्ट भी बढ़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर आएगा। आंसर क्या आ रहा है वो डायरेक्टली बता रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5.017 × 10⁻¹⁷ वाट, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा प्लीज। एन एम्पलीफायर हैज ए बैंडविड्थ ऑफ 4 MHz, बैंडविड्थ आ गई 4 MHz, विद रजिस्टर 10 kΩ। व्हाट इज द RMS नॉइज वोल्टेज, VN इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है √4 KTBR, बस ये फॉर्मूला है। अब क्या क्या चाहिए, 4 हमारे पास अवेलेबल है, के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻³ जूल पर डिग्री केल्विन, टी टेम्परेचर है 25 + 273, और बी बैंडविड्थ दे रखा है, आर रजिस्टर दे रखा है 10 kΩ। सिंपली पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला और हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 25.65 μV। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, कॉम्प्लेक्स सिग्नल कॉस e^j⍵0t। ई की पावर जो IOT होता है, JT होता है या j⍵t होता है, उसको हम ऐसा लिखते हैं cos⍵t + j sin⍵t। तो इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π अपॉन जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है ω0 वो। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है ω0 या ओमेगा लिख दीजिएगा, 2π/ω, यही फॉर्मूला फंडामेंटल टाइम पीरियड का रहता है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। The energy contained of the signal xt equal to e raised to minus 2t at.
कोई भी ये हमारे पास सिग्नल है, तो ये सिग्नल कैसा है हमारे पास, ये सिग्नल है इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, अपीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। अपीरियोडिक सिग्नल जनरली, पीरियोडिक सिग्नल जनरली पावर सिग्नल होते हैं और अपीरियोडिक सिग्नल जनरली एनर्जी सिग्नल होते हैं। वैसे एनर्जी सिग्नल, एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के भी एनर्जी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मेथड जो होता है e^-at ut, इसका जो एनर्जी रहता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/a। तो यहाँ पर a कंपैरिजन करोगे तो a कितना आ जाएगा, 2, दैट इज द 1/2 आपके पास, 1/2a होता है एनर्जी का फॉर्मूला, 1/2 × 2, दैट इज द 1/4 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर c विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है जो इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल मान लीजिए t = 0 पे डिफाइन है जिसमें इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड या वेरी हाई इम्पल्स आ जाए आपके पास, वेरी हाई मैग्नीट्यूड देखना, एक ही टाइम पे डिफाइंड होता है, एक ही इंस्टेंट पे, बहुत ही कम टाइम पे, उसको इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो जाता है, इट इज नथिंग बट ड्यू टू द नॉइज सिग्नल, बस नॉइज सिग्नल की वजह से ही आता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन आपको बताना है ∆at जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच कर रही है, ∆at टाइम को अगर a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो प्रॉपर्टी है 1/mod a ∆t की से सॉल्व होती है, और इसी को देखते हुए हमारे पास ये आ जाएगा 1/a ∆t, d विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉजल नॉन कॉजल लीनियर नॉन लीनियर बहुत ईजी, आप देख लीजिएगा फूरियर सीरीज ऑर्थोगोनल फंक्शन, ठीक है। So, it is the end of today's session. We will meet on tomorrow. Till then, thank you so much.